हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड। सो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के अंडर फोर्ट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। जो इससे पहले हम कवर कर चुके हैं वो है हमारे पास डैम्स, वी हैव कवर्ड स्टेडियम्स, वी हैव कवर्ड माउंटेन्स, हमने लेक्स भी की हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली क्लिक ऑन द आई बटन अबव द स्क्रीन सो आपको वो वीडियो मिल जाए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे चलते हैं इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में। आज हमें पढ़ने हैं फोर्ट्स एंड रिलीजियस प्लेसेस और जम्मू कश्मीर दोनों के हम पढ़ेंगे। सो हेयर वी आर। फर्स्ट वन वी हैव अवंतीपुरा। अवंतीपुरा इसकी जो इट हैज एन माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी। तो ये क्या था, इट्स नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स यहाँ पे बने थे। इट इज़ एन सबसे पहले अगर आपको याद मैं बताऊं कि अगर आपको याद रखना है इनके लिए तो वो है कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेयर इट इज़, दिस इज़ इन पुलवामा सिटी, ठीक है। पुलवामा सिटी में है और इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन अनंतनाग एंड श्रीनगर। अवंतीपुरा वॉज नेम्ड आफ्टर अवंती वर्मन, हैड अ नंबर ऑफ एंशियंट हिंदू टेम्पल्स बिल्ट बाय द किंग इंक्लूडिंग द अवंती स्वामी टेम्पल। मेन चीज़ आपको याद रखनी है वेयर इट इज़ और इसके किसके टेम्पल्स के। इसके यहाँ पे जो मैंने फोटो दिखाई है यहाँ पे नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स बने हुए थे। तो ये आफ्टर सम टाइम्स दे आर डिस्ट्रॉयड ऑल्सो। सो लेकिन फिर दे वी हैव इनके थोड़े बहुत इनके हमारे पास स्टोन्स अभी भी अवेलेबल हैं। तो आपको बस यही याद रखना है। और ये कब बना था, ये काफ़ी पुरानी बात है, ये कब बना था, काफ़ी साल हो गए हुए हैं तो इसकी प्रॉपर हमारे पास डेट नहीं है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव वैष्णो देवी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर वैष्णो देवी में क्या हुआ था, वैष्णो देवी में हमारे पास हम बात करें इट इज़ लोकेटेड इन त्रिकुटा हिल्स। त्रिकुटा हिल्स में है ये, जिस हिल में ये मंदिर है उसका नाम है त्रिकुटा हिल्स। आपको याद रखना है कि विच टेम्पल इज़ लोकेटेड इन द त्रिकुटा हिल्स, तो आंसर वुड बी द वैष्णो देवी। और इसका रास्ता जाता है कटरा से होकर, 13 किलोमीटर जो है इसकी लोग पैदल चढ़ाई करते हैं। 13 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा ये स्टार्ट होती है इसकी चढ़ाई, एट द हाइट ऑफ 1560 मीटर्स अबव। दिस टाउन इज़ अ होली केव टेम्पल ऑफ माता वैष्णो देवी। इसका यही है हमारे पास जो मेन चीज़ है, वैष्णो देवी कहाँ पे है, त्रिकुटा हिल्स है। तो यहाँ पे 13 किलोमीटर्स फ्रॉम कटरा एंड देर इज अ हाइट। इसकी प्रॉपर डेट जो है वो हमें नहीं पता है बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी एंशियंट टेम्पल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव रघुनाथ टेम्पल। रघुनाथ टेम्पल का आपको याद रखना है ये जो है डैट इज़ इन ओल्ड जम्मू सिटी में है ये पाया जाता है। रघुनाथ टेम्पल ओल्ड जम्मू सिटी के बिल्कुल सेंटर में है ये, और ये डेडिकेटेड टू लॉर्ड रामा है। और ये जो मेन चीज़ आपको इसकी याद रखनी है डैट इज़ इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह ने ये टेम्पल बनाया था, लेटर ऑन कम्प्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। इसकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो स्टार्ट की थी महाराजा गुलाब सिंह ने, लेकिन इट वॉज कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। ओके, द इंटीरियर ऑफ दिस टेम्पल इज वेल क्राफ्टेड बाय गोल्ड प्लेटेड स्पायर्स, आर्ट पेंटिंग्स रिलेटेड टू द गॉड एंड रामकृष्ण। द एंट्रेंस डोर वॉज सूर्य आइकन एंड कंसिस्ट ऑफ ए लाइब्रेरी ऑल्सो। ये टेम्पल बहुत बड़ा है और यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है इसके अंदर। और देर इसका जो एंट्रेंस है ना, देर इज अ सूर्य आइकन, मतलब सूर्य भगवान एक प्रतिमा है इसकी एंट्रेंस में। ओके, ये आपको याद रखना है। जो मेन चीज़ इसके साथ कनेक्टेड है वो है कि इट इज़ मेड बाय हुम, इट इज़ महाराजा गुलाब सिंह। और इसकी अगर हम डेट की बात करें तो आप इसकी डेट इसको महाराजा गुलाब सिंह ने बनाया था 1860 में ड्यूरिंग द डोगरा रूल। आपको याद रखना है द डेट इज 1860, 1860 में इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी रघुनाथ टेम्पल। और ये जो मंदिर है ये स्टिल जो है ये बहुत मतलब सिग्निफिकेंस रखता है बिटवीन हिंदूज। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वी हैव जामिया मस्जिद। जामिया मस्जिद कहाँ पे है, इट इज़ इन श्रीनगर। आपको याद रखना है इट इज़ वन ऑफ द सेक्रेड एंड द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ द श्रीनगर।
हिंदू सरकैनिक स्टाइल ऑफ आर्किटेक्ट एंड मेजेस्टिक कोर्टयार्ड ऑफ 370 वुडन पिलर्स मेक द प्लेस हाईली अट्रैक्टिव। और क्या लिखा है यहाँ पे हमने, वो लिखा है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेस बाय टूरिस्ट। ये अगर कोई भी श्रीनगर जाता है तो यहाँ इस मस्जिद में जाता ही जाता है। ये बहुत अच्छा है, इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। जामिया मस्जिद हैज़ अ बिग एरिया विच कैन एकोमोडेट अबाउट 1 लाख पीपल एट अ टाइम। ये इतना वास्ट है कि एट अ टाइम यहाँ पे 1 लाख पीपल एकोमोडेट कर सकते हैं। और अगर मैं आपको बता दूँ कि इसका जो एटमॉस्फेयर है वो इतना पीसफुल है, इट्स वेरी नाइस। इसका इंटीरियर बहुत अच्छा है और एटमॉस्फेयर तो बहुत ही पीसफुल है। एंड इट इज़ वेरी वेरी पॉपुलर अमंग द मुस्लिम पीपल। ठीक है, तो इसका अगर आपको याद रखना है तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है, इट इज़ इन श्रीनगर। और मेन अनदर थिंग इट हैज़ 370 वुडन पिलर्स, ठीक है, जिसके कारण ही ये ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ओके, और अनदर चीज़ जो आपको इसके बारे में याद रखनी है कि दैट द मॉस्क वॉज कमीशन्ड बाय सुल्तान सिकंदर इन 1394। 1390, अब आप इसी से पता लगा सकते हैं कि ये कितना एंशिएंट है। 1394, आई एम राइटिंग हियर, 1394 में कमीशन्ड हुआ था एंड कंप्लीटेड इन 1402। 1402 CE में ये कंप्लीट हुआ है। आप लगा लीजिए कि ये कितने साल पुराना है, लेकिन लेकिन स्टिल इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव द नेक्स्ट टूरिस्ट प्लेस वी आर गोइंग टू कवर इज मार्तंड सन सन टेम्पल। मार्तंड सन टेम्पल वॉज बिल्ड इन 8th सेंचुरी। ये 8th सेंचुरी में बना था, तो जैसे आप पढ़ सकते हैं कि इसके नाम में ही है द सन टेम्पल। तो इट इज़ डिवोटेड टू द लॉर्ड सूर्य, सूर्य भगवान को डिवोटेड है। एंड इट इज़ मेड इन 8th सेंचुरी। इट वॉज बिल्ड बाय होम, इट वॉज बिल्ड बाय ललित आदित्य मुक्तापिदा, ओके, हु वॉज द थर्ड रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। आपको ये याद रखना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ यही है इसका। इट वॉज बिल्ड इन 8th सेंचुरी और बिल्ड बाय होम, जिसने इसको बनाया था। ठीक है, एंड अनदर थिंग यू नीड टू रिमाइंड अबाउट इट कि ये कहाँ पे है, ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है। अनंतनाग, ओके, ANANTNAG, अनंतनाग में है। ठीक है, बस ये ही जो मेन MCQs है मैं आपको बता रही हूँ जिसमें से आ सकता है आपको। ठीक है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, 8th सेंचुरी में ये बना था एंड मेड बाय होम ललित आदित्य मुक्तापेदिया। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव अमर महल पैलेस। अमर महल पैलेस ही जो है ये जम्मू में है, और ये अमर महल पैलेस जो है विच इज़ नाउ कन्वर्टेड इंटू म्यूज़ियम। यहाँ पे इसको म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर चुके हैं, बहुत बच्चों की, स्कूल की, कॉलेजेस की यहाँ पे पिकनिक भी जाती है। इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है। और इसको किसने बनाया था, इट वॉज बिल्ड इन 19th सेंचुरी बाय राजा अमर सिंह। लेट मी टेक द पॉइंट, हाँ आपको याद रखना है इट इज़ बिल्ड बाय राजा अमर सिंह। लेकिन अगर आपको याद रखना है कि जिसने इसको, मतलब इसकी डिज़ाइनिंग इंटीरियर, मतलब डिज़ाइन जिसने किया था, डैट वॉज अ फ्रेंच आर्किटेक्ट। एक फ्रेंच आर्किटेक्चर था, उसने बनाया था ये। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे एक हमारे महाराजा जी का थ्रोन है, डैट इज़ मेड अप ऑफ गोल्ड। वो अभी तक है, लोग जब यहाँ पे घूमने जाते हैं, इस अंदर म्यूज़ियम में जाते हैं, तो डैट इज़ स्टिल देयर। और उनके वहाँ पे अभी तक उनके कपड़े भी वहाँ पे पड़े हुए हैं, वो भी एज अ म्यूज़ियम में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। ठीक है, अनदर थिंग कि इट ऑल्सो कंटेन्स अ लाइब्रेरी, और वहाँ पे एंटिक बुक्स हैं, 25,000 एंटिक बुक्स हैं। ठीक है, वो बहुत रेयर कलेक्शन है। ठीक है, और इसके साथ अगर हम एक बारी रिवाइज़ कर लें कि इसके क्या क्या हमारे पास MCQs आते हैं, डाटर इट इज़ बिल्ड इन 19th सेंचुरी, आपको याद रखना है, एंड बाय राजा अमर सिंह, और इसकी कंस्ट्रक्शन किसने की थी, फ्रेंच आर्किटेक्चर ने की थी। ठीक है, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है बाहर, इट्स वेरी रेयर, उस टाइम पे ऐसा डिज़ाइन बहुत रेयर था। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव बाहू फोर्ट। बाहू फोर्ट इज़ ऑल्सो इन जम्मू। इसकी भी एक बहुत माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है, वेरी रिलीजियस प्लेस इट इज़। यहाँ पे फोर्ट भी है और अंदर मंदिर भी है माता का। तो यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको याद रखना है, इट इज़ बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ तवी रिवर।
ओके, तवी रिवर के बैंक पे बना हुआ है और इट इज बिलीव दैट इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय हुम, इट इज कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन, राजा बहुलोचन ने बनाया था। इट इज बिलीव दैट द फर्स्ट रेनोवेशन ऑफ द फोर्ट वॉज अंडरटेकन बाय महाराजा रणजीत सिंह। बनाया किसने था? राजा बहुलोचन ने, लेकिन जो उसकी कंस्ट्रक्शन थी डैट वॉज अंडरटेकन बाय महाराजा रणजीत सिंह। द फोर्ट इज अ रिलीजियस प्लेस विद इट्स प्रेसनिट्स हैज अ टेम्पल डेडिकेटेड टू हिंदू गॉडेस काली। यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे माता का मंदिर है अंदर गॉडेस काली का। द टेम्पल इज लोकली नोन एज भावे वाली माता। अगर जम्मू के लोगों को तो ये पता ही है, लेकिन जो कश्मीर के हैं उनको, उनके लिए भी बता दूँ मैं कि ये भावे वाली माता के टेम्पल से भी जाना जाता है और इसका यहाँ पे फोर्ट भी है। ओके, दिस इज ऑल विद द बाहू फोर्ट। मेन चीज़ आपको याद रखनी है, इट इज़ ऑन बैंक ऑफ विच रिवर और इसके कौन से किसने कंस्ट्रक्ट किया था, लेटर ऑन रेनोवेशन किसने की थी और इट इज़ कंस्ट्रक्टेड, इसकी प्रॉपर जो डेट है वो है दैट इट वॉज बिल्ड अराउंड 3000 ईयर अगो बाय राजा बहुलोचन। प्रॉपर डेट नहीं है लेकिन इसको 3000 साल हो चुके हैं। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव भीमगढ़ फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट इज जनरली नोन एज रियासी फोर्ट। भीमगढ़ फोर्ट को रियासी फोर्ट भी कहते हैं क्योंकि ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही है। द फोर्ट इज़ ऑन द हिल लॉक ऑफ द अप्रॉक्सीमेटली 150 मीटर हाइट। उस जो वो ये है हिल है उसके ऊपर ये है 150 मीटर हाइट पे। इनिशली जो था इसको ना पहले क्ले से बनाया गया था, क्ले इन द सेंस कि मतलब मिट्टी से बनाया गया था इसको, लेकिन लेटर ऑन महाराजा ऋषि पाल राणा ने इसको मतलब स्टोन के साथ बनाया था। आपको याद रखना है इट वॉज लेटर ऑन मेड बाय महाराजा ऋषि पाल राणा। और आपको अनदर चीज़ याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है कि विच फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज द रियासी फोर्ट, दैट द आंसर वुड बी द भीमगढ़ फोर्ट। वाई रियासी फोर्ट? क्योंकि इट इज सिचुएटेड इन द रियासी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव गुरुद्वारा नंगली साहिब। ये कहाँ पे है? दैट इज सिचुएटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट, पुंछ टाउन में है ये। तो दिस इज़ वेरी फेमस अमंग द पीपल देयर। तो यहाँ पे इसको हम बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या है, इसके बारे में क्या लिखा है इन्होंने। गुरुद्वारा नंगली साहिब इज सिचुएटेड इन द लैप ऑफ द पिक्चरस्क हिल ऑन द बैंक ऑफ द्रुंगली नाला। इट इज़ अबाउट 4 किलोमीटर फ्रॉम पुंछ टाउन इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। पुंछ डिस्ट्रिक्ट में है, तो फर्स्ट MCQ आ जाएगा पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, विच गुरुद्वारा इज लोकेटेड इन पुंछ डिस्ट्रिक्ट। द आंसर वुड बी गुरुद्वारा नंगली साहिब। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट श्राइन ऑफ सिक्स इन नॉर्थन इंडिया। प्रेजेंटली द गुरुद्वारा कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मैनी गुरुद्वारा बिल्डिंग, अ गुरु का लंगर, फ्री कम्युनिटी किचन एंड अबाउट 70 गेस्ट रूम्स। जैसे आप जानते हैं कि गुरुद्वारा में आप जब भी जाए आपको खाने के लिए हमेशा कुछ मिल ही जाएगा, तो यार क्योंकि उसको लंगर वहाँ पे लगा ही होता है, गुरु का लंगर वहाँ पे सबके लिए है, कोई भी वहाँ चले जाए। और वहाँ पे अबाउट 70 गेस्ट रूम्स है कि अगर किसी को वहाँ पे स्टे करना हो। ओके, अनदर थिंग यू नीड टू रिमाइंड अबाउट इज दिस दैट इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय ठाकुर भाई मेला सिंह जी। ठीक है, और ये कौन से ईयर में बना था? डैट वॉज 1803 में बना था। 1803 में बनाया गया था बाय हुम? इट वॉज बिल्ड बाय ठाकुर भाई मेला सिंह, PHAIMELASING। ओके, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वी हैव पंचभक्तर टेम्पल। पंचभक्तर टेम्पल जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ रुपये वाला मंदिर भी से बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो सिचुएटेड इन, ये कहाँ पे है? दिस इज सिचुएटेड इन ओल्ड जम्मू सिटी में है ये। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिव टेम्पल इन द रीजन ऑफ जम्मू। सबसे पुराना माना जाता है शिव टेम्पल वहाँ पे, रेजिडेंसी रोड के आगे जाके पड़ता है, तो उस रोड को भी हम पंचभक्तर रोड बोलते हैं जिस रोड पे ये है। और एक मेन थिंग जो आपको एक याद रखनी है इसके बारे में, इट इज़ दैट इट हैज़ एन एरिया ऑफ मोर देन 25 केनाल्स का एरिया, इससे भी ज़्यादा एरिया इस कवर किया हुआ है इस मंदिर ने। इट हैज़ सिंस लॉन्ग बीन नोन एज दशनम अखाड़ा एंड वेरी डीपली कनेक्टेड विद अमरनाथ यात्रा। एक क्वेश्चन आ सकता है विच टेम्पल इज कनेक्टेड विद अमरनाथ यात्रा, दैट आंसर वुड बी द पंचभक्तर टेम्पल विच इज ऑल्सो नोन एज रुपये वाला मंदिर। ओके, एंड दिस इज ऑल अबाउट पंचभक्तर मंदिर, लेकिन ये कब कंस्ट्रक्ट हुआ था कि दिस इज नॉट क्लियर एट ऑल, इसकी प्रॉपर डेट अवेलेबल नहीं है क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिव टेम्पल। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव
रणवीरेश्वर टेम्पल, रणवीरेश्वर इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। रणवीरेश्वर टेम्पल क्या है यहाँ पर, ये भी जम्मू, ओल्ड जम्मू सिटी में ही पाया जाता है, वहाँ पे सिचुएटेड है, एंड इट्स बिल्ड बैक इन 1883 बाय महाराजा रणबीर सिंह। मतलब इट वॉज ऑलरेडी बिल्ड, बट इसको फिर से बनाया गया था, महाराजा रणबीर सिंह जी ने बनाया गया था। तो इसमें क्या है, इसको डेट याद रखनी है और किसने बिल्ड बैक किया था वो भी याद रखना है। द हाईलाइट हेयर इज द मेमोथ ऑफ 8 फीट टॉवल शिव लिंगम। मतलब जो एक वहाँ पे जो शिवलिंग है डैट इज 8 फीट टॉल है, एंड इट इज मेड अप ऑफ ब्लैक मार्बल लूमिंग हाई इन द सेंट्रल सेंक्टम ऑफ द टेम्पल। इस ये है टेम्पल के बिल्कुल सेंटर में है, और रणवीरेश्वर टेम्पल आपको याद रखना है, डैट इज ऑल्सो लॉर्ड शिवास टेम्पल, बट इट वॉज बिल्ड बैक बाय महाराजा रणवीर सिंह इन 1883। मेन चीज़ अगर आपको देखा जाए तो आपको याद रखनी है बाय होम इट इज़ बिल्ड एंड बाय इन विच ईयर इट वॉज बिल्ड। अनदर वी हैव शहादरा शरीफ, इसमें क्या है, आई डोंट नो द प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, सॉरी अगर मेरे से गलती होगी हो। शहादरा शरीफ है, द शहादरा शरीफ वॉज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह। इसको किसने बनाया था, इट वॉज बिल्ड बाय महाराजा गुलाब सिंह इन द 19th century। और ये क्यों बनाया था, बिकॉज उन्होंने, इट वॉज अ ट्रिब्यूट टू द बाबा गुलाम शाह, बाबा गुलाम शाह के ट्रिब्यूट में बनाया गया था। ठीक है, द एम सी क्यू डैट कैन अराइज फ्रॉम दिस इज डैट की होम बिल्ड दिस एंड फॉर टू पे द ट्रिब्यूट टू होम, और ये कौन से ईयर में बना था, कौन सी सेंचुरी में बना था, डैट आर द रेलिवेंट क्वेश्चन फॉर दिस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव शिव खोड़ी। शिव खोड़ी इज लोकेटेड इन रानसू विलेज इन द पौनी ब्लॉक इन रियासी डिस्ट्रिक्ट विच अट्रैक्ट लैक्स ऑफ डिवोट्स एनुअली। शिव खोड़ी इज सिचुएटेड बिन हिल लॉक्स अबाउट 14 किलोमीटर नॉर्थ एंड 120 किलोमीटर फ्रॉम उधमपुर। अब इसमें जो आपको मेन चीज़ याद रखनी है डैट इज की इट इज़ इन विच डिस्ट्रिक्ट, इट इज़ इन रियासी डिस्ट्रिक्ट। ये रियासी डिस्ट्रिक्ट में है शिव खोड़ी, यहाँ पे भी बहुत श्रद्धालु आते हैं हर साल एंड वेरी फेमस। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव हरी पर्वत फोर्ट। हरी पर्वत फोर्ट क्या है, ये श्रीनगर में है और इट इज़ बिल्ड बाय दुरानी एरा। अब एक और चीज़ इसको याद रखना है कि इसको दुरानी फोर्ट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज़ बिल्ड इन दुरानी एरा में बनाया गया था। हरी पर्वत, ये जो फोर्ट है डैट इज़ ऑन हरी पर्वत है, तो उसको हरी पर्वत फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उसी जो द माउंटेन हरी पर्वत उसके ऊपर ये बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में। द फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ द साइट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर अकबर इन 1590। इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय मुगल एम्परर, किसके, कौन से मुगल एम्परर, अकबर इन 1590, याद रखना है इसको। द प्रोजेक्ट हाउ एवर नेवर कम्प्लीटेड, द प्रेजेंट फोर्ट वॉज बिल्ड इन 1880 अंडर द रीन ऑफ शुजा शाह दुरानी। उस टाइम पे ये फोर्ट किसी कॉन्सिक्वेंसेस के दौरान नहीं कम्प्लीट हो पाया था, लेकिन इट वॉज लेटर ऑन बिल्ट अगेन इन 1808 बाय शुजा शाह दुरानी। दुरानी एरा में ये कम्प्लीट हुआ था और इसको दुरानी फोर्ट भी जाना जाता है, उस नाम से ये जाना जाता है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव शंकर आचार्य टेम्पल। शंकर आचार्य टेम्पल इज ऑल्सो नोन एज द ज्येष्ठेश्वरा टेम्पल, आपको याद रखना है दोनों का दो नाम है इस टेम्पल के। वी हैव शंकर आचार्य, वी हैव ज्येष्ठेश्वरा, इट इज ज्येष्ठेश्वरा। ठीक है, इट इज ऑन द टॉप ऑफ शंकराचार्य हिल ऑन द जबरवान रेंज इन श्रीनगर। अगेन इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा और इस टेम्पल की हाइट इज अबाउट 1000 फीट, और इस टेम्पल से फुल श्रीनगर सिटी हम देख सकते हैं। एंड when इट इज बिल्ड, इट वॉज बिल्ड इन 1924। यू नीड टू रिमाइंड 1924 को हिंदू रूलर ने बनाया था, डैट वॉज सैंडीवन ने बनाया था, इट वॉज हिंदू किंग सैंडीवन ने जो था ओरिजिनली देखा जाए, लेकिन फिर भी माना जाता है कि डैट इज ये जो टेम्पल है इसका सिग्निफिकेंस जो है डैट इज वेरी ओल्ड। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट वी हैव हज़रत बल श्राइन। हज़रत बल श्राइन में आपको याद रखना है कि मुस्लिम श्राइन इन हज़रत बल श्रीनगर में है ये। इट कंटेन्स अ रेलिक्स एंड मोए मुकद्दास बिलीव्ड बाय मैनी मुस्लिम्स कश्मीर टू बी मोहम्मद हेयर।
द नेम ऑफ द श्राइन कम्स फ्रॉम अ फारसी वर्ड. आपको याद रखना है कि इसका हजरत बल का मतलब क्या है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आता है कि एक फारसी वर्ड है हजरत, विच मीन्स रिस्पेक्टेड, एंड बल का मतलब होता है प्लेस. बल मीन्स द प्लेस, मतलब इट इज़ वेरी वेरी ऑनरेबल प्लेस, वेरी रिस्पेक्टेबल प्लेस. डस इट मीन्स द प्लेस विच इज़ गिवन हाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्टेड अमंग द पीपल. और अनदर चीज़ यू नीड टू रिमाइंड अबाउट इज दैट इट इज़ सिचुएटेड ऑन द नॉर्दर्न बैंक ऑफ डल लेक. ओके, हजरत बल शाही का आपको ये याद रखना है, नॉर्दर्न बैंक ऑफ डल लेक में है ये. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, वी हैव खाना है मौला. इसकी भी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन आई डोंट नो, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम ये गलती हो जाए माफ़ करना. खाना ए मौला इज़ ऑल्सो नोन एज शाह ए हमादन मस्जिद, एंड इट इज़ एंड खाना इज़ अ मॉस्क लोकेटेड इन द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर. आपको याद रखना है इट इज़ सिचुएटेड इन ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर, सिचुएटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर जेलम बिटवीन द फतेह. आपको ये याद रखना है कि जेलम बैंक के राइट साइड पे है और ये ओल्ड सिटी कश्मीर में बना हुआ है. ठीक है, एंड अनदर थिंग यू नीड टू रिमाइंड अबाउट इज दैट कि ये जो टेम्पल था इट वॉज बिल्ड इन 1395, 1395 में ये बना था. 1395 बाय होम इट वॉज अगेन कमीशन बाय द सुल्तान सिकंदर. इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द कश्मीरी वुडन आर्किटेक्चर एंड डेकोरेटेड बाय द पेपर मैश. आपको याद रखें ये बहुत ही ब्यूटिफुल है अंदर से. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव खीर भवानी टेम्पल. खीर भवानी, जिसको शीर भवानी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है, डैट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस खीर भवानी से, खीर भवानी को डेडिकेटेड है टेम्पल. द टेम्पल इज सिचुएटेड इन द डिस्टेंस ऑफ 14 माइल्स ईस्ट टू द श्रीनगर. 14 माइल्स ईस्ट टू श्रीनगर चले जाओ तो यू विल गॉट खीर भवानी टेम्पल नियर द विलेज ऑफ टुलमुल. द टर्म खीर रेफर्स टू अ राइस, हमें सबको पता है खीर क्या होती है, इट इज़ अ राइस पुडिंग. तो भगवान को ये चढ़ाई जाती है इस टेम्पल में. आपको ये याद रखना है, मेन थिंग इसमें यही है. मूविंग टू द नेक्स्ट, हमारे पास आज इतना ही ख़त्म होता है. थैंक यू एंड होप यू लाइक इट. और जल्दी हम इसके बारे में MCQ सीरीज़ भी लाएंगे, जिससे आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी. और उस MCQ सीरीज़ में हम वही MCQs डालेंगे जो इम्पॉर्टेंट हैं. ठीक है, लाइक कि यहाँ पे कब इसको डिस्कवर किया गया, ये कौन सी सेंचुरी में बना गया. एंड काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल. ओके, थैंक यू.